आप इस फोटो को देखिए, इसमें और कोई नहीं, रोनाल्ड रीगन है जो यूएस के 40th प्रेसिडेंट है, और ये मुजाहिदीन के लोगों को शाबाशी दे रहे हैं क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और यही मुजाहिदीन फ्यूचर में तालिबान को क्रिएट करते हैं जो पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म फैला रहा है, और ये चीज़ यूएस खुद एक्सेप्ट करता है। और इसके अलावा यूके के फॉर्मर सेक्रेटरी रॉबिन कुक का भी यही कहना है कि ओसामा बिन लादेन वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ मोन्यूमेंटल मिसकैलकुलेशन बाई द वेस्टर्न सिक्योरिटी फोर्सेस, और उनके ये क्लेम को बेनजीर भुट्टो और सऊदी प्रिंस बंदार बिन सुल्तान भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूएस ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आज वो अपने इंटरेस्ट के लिए जिन मुजाहिदीनों को सपोर्ट कर रहे वही लोग फ्यूचर में उनकी सोयल के ऊपर टेरर अटैक करेंगे। टाइम था 1979 का जब अफगानिस्तान में न्यू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है और अफगानिस्तान के लोग इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसलिए सोवियत यूनियन उनकी सोवियत अफगान फ्रेंडशिप ट्रीटी 1978 के चलते और अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान में इन्वेड कर देते। यहाँ पे पहले आपको अफगानिस्तान की ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। अफगानिस्तान में बहुत कम पॉपुलेशन सिटी एरियाज में रहती है और जो सिटीज़ में रहते हैं वो ज़्यादातर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए सोवियत यूनियन के लिए इस सिटीज़ को एक्वायर एंड कंट्रोल करना बहुत ईजी था। बट सोवियत यूनियन के लिए प्रॉब्लम ये थी कि अफगानिस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी एंड ये एरिया टेरेन एंड माउंटेन से घिरा हुआ था जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, और इन्हीं रूरल एरिया में सोवियत आर्मी से लड़ने के लिए छोटे छोटे रेबेलेंट ग्रुप बनने लगे जिनको नाम दिया गया मुजाहिदीन, और यही से यूएसए की पिक्चर में एंट्री होती है। जैसा आपको पता ही है कि सोवियत यूनियन यूएसए का सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवल था और यूएसए कोई भी कंडीशन में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल नहीं करने दे सकता था, क्योंकि अगर उसने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो उसका इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में बढ़ जाएगा जिससे फ्यूचर में वो ऑयल के रिजर्व एंड सप्लाई को कंट्रोल करने लगेगा, और ये चीज़ यूएस कभी भी नहीं होने दे सकता था। एट लास्ट यूएस डिड व्हाट इट ऑलवेज डज एंड लास्ट में वो भी जंग में कूद पड़ा। डेडिकेटेड टू प्रेसिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट्स but I also hope that I can transmit to the Afghan government and the Afghan people. Therefore, I will seek both to conclude this new SALT agreement and to respond to any Soviet behavior which adversely affects our interest. But yahan pe ek problem thi. US ke paas koi reason nahi tha ki wo Soviet Union se ladne ke liye apni army ko Afghanistan mein bhej paaye. इसलिए यूएसए ने अपनी सीक्रेट सर्विस एजेंसी CIA की हेल्प ली और एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन साइक्लोन, जिसका मकसद ये था कि CIA एंड पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में जो लोकल मुजाहिदीन हैं जो सोवियत आर्मी से लड़ रहे उनको वेपन्स फंड्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और इन्हीं मुजाहिदीन में एक था ओसामा बिन लादेन जिसने 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेरर अटैक किया था। अगर हम सिर्फ फंड्स एंड वेपन की बात करें तो 1980 में जेम्स कार्टर गवर्नमेंट ने $30 मिलियन सैंक्शन किए थे, 1985 में न्यू रॉबर्ट रीगन गवर्नमेंट ने $250 मिलियन सैंक्शन किए थे एंड लास्ट 1987 में कलेक्टिवली $630 मिलियन का सपोर्ट दिया गया था सिर्फ अफगानिस्तान में। एंड वेपन्स की बात करें तो इनिशियली यूएसए अपने वेपन्स को अफगानिस्तान भेजने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि उनको ये डर था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास उनकी टेक्नोलॉजी आ सकती है, बट एट लास्ट सोवियत यूनियन के हैवी टैंक्स एंड एयरक्राफ्ट से लड़ने के लिए हैवी मशीन गन्स एंड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को देना पड़ा, और ये वॉर पूरे 10 सालों तक चली और इन 10 सालों में यूएस ने $20 बिलियन स्पेंड किए। एट लास्ट 1989 में सोवियत यूनियन ने हार मान के अपनी आर्मी को वापस बुला लिया और इस वॉर में 1,000,000 अफगानिस्तान के लोगों ने अपनी जान गंवाई और 60,00,000 लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े। अभी यूएस के लिए अफगानिस्तान में वॉर खत्म हो चुकी थी क्योंकि सोवियत यूनियन भी वापस चला गया था और यूएस का अफगानिस्तान में अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा था, तो इसीलिए उन्होंने मुजाहिदीन को फंड करना बंद कर दिया। एट लास्ट अफगानिस्तान का कंट्रोल अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया एंड इसी के 3 साल बाद 1992 में अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और लोकल मुजाहिदीन के जो ग्रुप्स थे वो अंदर ही अंदर लड़ने लगे थे और पूरे अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी और लोकल मुजाहिदीन के ग्रुप्स की अफगानिस्तान में एट्रोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड फाइनली 1994 में अफगानिस्तान के कंदार सिटी में इन लोकल मुजाहिदीन से लड़ने के लिए एक इंसान खड़ा होता है जिसका नाम था मुल्ला मोहम्मद उमर,
ये पास्ट में एक मुजाहिदीन ही था और सोवियत यूनियन के वापस जाने के बाद वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला गया था और एक टीचर बन चुका था। बट लोकल मुजाहिदीन से लड़ने के लिए उसने हथियार उठा लिए एंड दूसरे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के साथ मिलके एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया तालिबान, जिसका पश्तो में मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, जिसको लोगों ने भी सपोर्ट किया और कई लोग तो इनको आर्मी ऑफ रॉबिनहुड तक बुलाने लगे, क्योंकि इनका मोटिव ये था कि अफगानिस्तान में पीस एंड जस्टिस को रिस्टोर करना। और कई लोग इनके साथ जुड़ने भी लगे क्योंकि एक तरफ वो लोकल मुजाहिदीन की एट्रोसिटी से बहुत परेशान थे और तालिबान वाले इन लोगों के साथ लड़ के इनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। और धीरे धीरे इन्होंने पूरी कंधार सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया और इसके थोड़े टाइम के बाद नज़दीक के पश्तो पॉपुलेशन वाले एरियाज एंड नॉर्थ में जो लोकल मुजाहिदीन के ग्रुप थे उनको हटा के तालिबान ने ये एरिया भी पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसी के तहत अभी तक अफगानिस्तान का 50% एरिया तालिबान के कंट्रोल में था और अभी तक इनके पास इनकम का कोई बड़ा सोर्स नहीं था और इनको अपने ऑपरेशन एंड टेरिटरी बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। तो इसीलिए उन्होंने लोकल हाईवे पे टैक्सेस एंड इलीगल ओपियम के ट्रेड स्टार्ट कर दिए। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर है जिनमें से ड्रग्स बनती है। अफगानिस्तान में काबुल जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पे था, बट यहाँ पे अभी भी लोकल मुजाहिदीन का कंट्रोल था जो तालिबान के साथ अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए लगातार लड़ रहे थे। और यहाँ पे पाकिस्तान ने तालिबान का डोमिनेंस देखते हुए काबुल को कंट्रोल करने के लिए तालिबान को फंड्स, वेपन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की एंड फाइनली काबुल में तालिबान का कंट्रोल आ गया। पाकिस्तान को ये डर था कि काबुल के लोकल मुजाहिदीन ग्रुप तालिबान से लड़ने के लिए दूसरी कंट्री जैसे इंडिया जैसे देश का सपोर्ट ले लेंगे तो फ्यूचर में अगर इंडिया एंड पाकिस्तान की टेंशन क्रिएट होती है तो यही ग्रुप इंडिया का सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान होने नहीं दे सकता था और इसीलिए पाकिस्तान ने भी तालिबान का सपोर्ट किया। और धीरे धीरे अफगानिस्तान के ज़्यादातर एरिया के ऊपर तालिबान का कंट्रोल था और काबुल में तो तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट तक बना दी थी और उनके टॉप ऑफिशियल में इनके ग्रुप के ही लोग थे। और US पूरी सिचुएशन को देख रहा था क्योंकि अल्टीमेटली अफगानिस्तान की इस सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल US ही था, मुजाहिदीन ग्रुप को सपोर्ट देने से लेकर तालिबान के क्रिएशन एंड राइज तक। फिर भी US ने इंटरवेन नहीं किया और अफगानिस्तान में US का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। और इस टाइम पे US टेररिज्म के अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं ले रहा था क्योंकि US में टेरर अटैक्स नहीं हो रहे थे। बट चीज़ें चेंज हुई 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने, जिसको एक तरीके से US ने ही खड़ा किया था, उसने तालिबान एंड अलकायदा की हेल्प से US की सोयल के ऊपर वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेरर अटैक किया जिसको पूरे वर्ल्ड ने लाइव देखा एंड जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। एंड फाइनली US ने टेररिज्म एंड तालिबान के अगेंस्ट एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दी और इसी के चलते US ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में डिप्लॉय कर दी और ये वॉर भी अगले 10 सालों तक चले, फिर भी US तालिबान को हरा नहीं पाया। एंड फाइनली 2021 में जो बाइडन ने विदाउट प्रॉपर हैंडओवर टू गवर्नमेंट अपने ट्रूप्स को वापस खींच लिया और उसका रिजल्ट भी अगेन सेम निकला कि तालिबान ने वापस से अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और ओसामा बिन लादेन के असेशन और US अफगान वॉर के ऊपर भी अलग वीडियो बन सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखने में इंटरेस्टेड हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन नेक्स्ट वन।